सर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं बिल्कुल, ये जो भी इनकी समस्या है वो वाजिब और सही है, इनका इन्हीं की बात आगे एग्री करता हूँ, सोल्यूशन इनका ही निकलना। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। कैसे हुआ आप सभी लोग? आज मैं आपको एक स्विगी राइडर से मिलवाने वाला हूँ। इस स्विगी राइडर ने तो की है गलती, लेकिन आप लोग मत करना, क्योंकि बहुत से नए राइडर ये गलती करते हैं और कस्टमर के झांसे में आके अपने ऊपर पेनल्टी लगवा लेते हैं। आज मैं आपको इस पेनल्टी से बचने का तरीका बताने वाला हूँ कि आप इस पेनल्टी से कैसे बच सकते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी जिससे आपके ऊपर पेनल्टी ना आए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार मेरी वीडियो शेयर कर दिया करो। वीडियो शेयर करने का ना तो कोई पैसा लगता है, समझ रहे हो आप? और आपके एक वीडियो शेयर करने से ना हमें सपोर्ट मिल जाती है, हमें ये लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस मेरे साथ है हमारे स्विगी के राइडर जिनके ऊपर पेनल्टी आई थी। ये बताएंगे आपको क्यों पेनल्टी आई इनके ऊपर, और मेन दिक्कत सभी के साथ ये आती है, तो इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ी जानकारी हो और जो नए राइडर लगते हैं उनको परेशानी ना आए। आपके साथ हुआ क्या था कि आप पे पेनल्टी आई? मैं स्विगी में काम करता हूँ, मेरा नाम संजय है और मैं नया लगा स्विगी में। तो ये कस्टमर का ऑर्डर आया था मेरे पास। अच्छा, ये जीने का ऑर्डर था। तो ये 17 किलोमीटर दूर था, तो मैं ये ऑर्डर लेके गया, तो कस्टमर की जो लोकेशन डली थी मैं उस लोकेशन में पहुंचा, तो कस्टमर वहां पहुंचा तो कस्टमर ने मेरा कॉल आया, कहा कि मैं यहां नहीं रहते, हम यहां रहते नहीं है, हम आगे और रहते हैं, सी ब्लॉक में रहते हैं, और उसमें लोकेशन डली थी एन ब्लॉक की, तो वो वहां पे फिर मैंने आगे चला गया तो मैडम ने बताया था, तो वहां जाके मैंने ये ऑर्डर दिया। उसके बाद ये डिलीवर करने की कोशिश की मैंने, तो फिर डिलीवर हुआ नहीं। फिर मैं कस्टमर केयर पे कॉल कर रहा था ताकि इसमें इसके लिए पूछ लूँ इसलिए कुछ, तो मैंने कॉल करी, वहाँ से बैक कॉल कुछ नहीं आई। फिर मैं वेटिंग करता रहा, वहाँ पर टाइम वेटिंग करने में कम से आधा पौन घंटा लग गया मेरे को, वहाँ पर पौन घंटे के आसपास। फिर मैंने ये वापस वहीं उसी ब्लॉक में गया, एन ब्लॉक में, वहाँ जाके से मैं रीच करा, डिलीवर करा, तो वहाँ जाके हुआ, तो जिसकी वजह से मेरे मैंने पूरे 161 रुपये का ऑर्डर था, वो मैंने पूरे पैसे काट लिए, डिडक्शन कर दी। तो जहाँ पे कस्टमर ने आपको बुलाया था तो वहाँ पे ऑर्डर को डिलीवर नहीं हो पाया? नहीं, जहाँ पे कस्टमर ने मंगाया था ना, वहाँ पे डिलीवर हो नहीं पाया था ये। अच्छा, लोकेशन कहीं और की थी, तो आपने वहाँ पे जाके रीच नहीं करा था इसको? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं भी थोड़ा नया लगा ना, तो इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे को। अब किसने मेरे को बताया कि वहीं पे करना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को पता चला मेरे को। तो अब आपको थोड़ी जानकारी हुई इस काम के बारे में? थोड़ी जानकारी हुई मेरे को उसके बारे में। तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हो, जो अब नए राइडर लगते हैं उनको क्या बोलना चाहते हो? जैसे रॉन्ग लोकेशन हो तो वहीं पे उसको रीच कर दें तो सही रहेगा, फिर आगे इससे पैसे नहीं कटेंगे इसके लिए। ये बोलना चाहता हूँ कि नए राइडर अगर लगे तो किसी पुराने बंदे से पूछ लें और जानकारी ले लें इसके लिए, अगर नहीं लेंगे तो फिर आपको नुकसान ही होगा, ऐसे जैसे मेरे को हुआ है। अच्छा, भाई के ऊपर जो पेनल्टी आई है ये 776 रुपये का काम कर रहा था, ये जो अमाउंट दिखा रहा ना 161 का, जो लोकेशन थी वहाँ पे इन्होंने रीच नहीं करा, कस्टमर केयर कॉल नहीं कर रहे थे इनको, क्योंकि जीनी का ऑर्डर था, जीनी के ऑर्डर में ये दिक्कत आती है। और अगले दिन उस ऑर्डर की पेनल्टी आ गई इनके, वो हाई वेटिंग का इन पे चार्ज लग कट गया इनका, ये देखो डिडक्शन 161 का। ये सभी राइडर गलती करते हैं, जो भी नए राइडर आते हैं। आज मैं आपको इससे 2 दिन पहले इससे 2 दिन पहले 68 का था, उसमें भी ये सीन था, ये जो जीनी का था वो जीनी का वो फूट गया था, उसमें क्या था लोकेशन कहीं की। तो सर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं बिल्कुल, ये जो भी इनकी समस्या है वो वाजिब और सही है, इनका इन्हीं की बात आगे एग्री करता हूँ, सोल्यूशन इनका ही निकला। आप कोई कस्टमर दूर मंगाता है ऑर्डर को तो लेके जाना सही है या फिर पहले कस्टमर केयर को कॉल करोगे आप? अगर मुझको जाना लगता सही है तो मैं जाऊंगा, और जैसे मैं खुद इस चीज को फेस कर रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ कि कई खतरे महसूस होते हैं। सबसे बड़ा इतनी आधी आधी रात को 12 बजे 1 बजे आपका खुद तो बिहार भेजते हैं, महिपालपुर भेजते हैं, गुड़गावा, वहाँ इतनी इतनी सी रास्तों से और हमें गुजरना पड़ता है। हम तो एक बाइक या स्कूटी लेके घूम रहे, सामने से 4-व्हीलर आते हैं एकदम तूफान की तरह लेके, तो उसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए इतनी दूर का, और कम से कम रात को तो नहीं होना चाहिए। कई कस्टमर होते हैं जैसे आपके फोन में लोकेशन अलग दिखा रखी है और कस्टमर आपको अलग लोकेशन पे बुला रहा है, इसकी पेनल्टी कस्टमर को लगनी चाहिए और इसका फायदा इसका फायदा राइडर को मिलना चाहिए। अच्छा, ये मैं खुद ही फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इतनी बिल्कुल मैं तो बोल रहा हूँ बिंदास होकर।
आप नहीं, एक बात और भी है ना, जैसे आप पहले कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करोगे या फिर आप ऐसे ही चले जाओगे जैसे कस्टमर की लोकेशन गलत है, ठीक है? और आपको वो तो मुझे समझ नहीं आया, पहले तो सीधा मैप खोलूंगा और लोकेशन पे क्लिक करूंगा, निकल जाऊंगा। हाँ, अब वहाँ जाके कस्टमर कहेगा नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, वहाँ आके फिर जब मैटर फंसेगा तो वहाँ राइडर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जो भी उसके एक्स्ट्रा पेट्रोल वगैरह जो भी लगे वो उसको उसको मिलना चाहिए, और उसका या प्लांट या तो कस्टमर पे डाले या कंपनी खुद झेले, ये मेरा कहना है लास्ट। ओके, मेरी राय ये है कि आप लोग अगर नए लगते हैं और आप ऑर्डर लेके जा रहे हैं कहीं दूर का, ठीक है, तो सबसे पहले आप जो आपकी ऐप के अंदर लोकेशन है ना, आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके रीच करना है, उसके बाद आपको कस्टमर केयर को कॉल करनी है, आपको बताना है कि कस्टमर केयर मेरे को अलग लोकेशन पे बुला रहा है, वहाँ पे इन्फॉर्म करके अगर आपको लगता है कि आपका जाना सही है, आपको लगता है कि कहीं कैश का ऑर्डर है या फिर कोई दिक्कत आ रही है कि मेरे से ऑर्डर छीना जाएगा, तो आप उसको मना भी कर सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। अगर कंपनी फोर्स करती है तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं जो लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं करेक्ट लोकेशन पे खड़ा हूँ, अगर मेरे साथ कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी जिम्मेवारी होगी अगर मेरे साथ कोई भी दिक्कत होती है, तो आप कस्टमर केयर को बोल सकते हैं, आपकी मर्जी होगी जाना या ना जाना, ठीक है? और दूसरी बात ये, आपको ना अपने ऐप से ये जो एक्स्ट्रा है ना, जीनी हो गया, मीट का हो गया, ठीक है, इनको आपको अपनी ऐप से हटवाना है, नहीं इनमें बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि इनमें कस्टमर केयर जल्दी से फ़ोन नहीं उठाते और कस्टमर केयर को फ़ोन लगता नहीं है, बहुत से राइडरों को ये दिक्कत आती है, तो जीनी का जो ऑप्शन है ना वो अपने फ़ोन से हटवा दो, टिकट ड्राइव करके आप सिर्फ अपने ऐप के अंदर फूड का या फिर इंस्टामार्ट का रखो बस, इसके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन नहीं रखना, ठीक है? लास्ट में अगर मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।